हेलो एवरीवन, आई एंटिसिपेट यू आर डूइंग वेल। वी आर गोइंग टू सी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सेकंड लेक्चर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सो इफ यू डोंट सी द फर्स्ट वीडियो ऑफ एक्टिव वॉइस and passive voice present simple tense, see this video, link in the description. So move on the lesson. Let's begin. Present continuous tense, this is active voice. Subject is am, are, verb, ing object. This is a present continuous tense. Obviously this is a present continuous tense. ये क्या है? ये जो है present continuous tense है. ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ. ये active voice का मसला नहीं है. Active voice में problem नहीं है. Problem passive voice में. Active से passive कैसे बनाया जाता है ये नहीं आता ना. तो देखिए आपको मैं बता लेता हूँ अभी. पैसिव वॉइस कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट देखिए, ये ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट फर्स्ट आ जाएगा, इज एम आर एज इट इज रहेगा. यहाँ पे बींग आएगा, बींग कॉन्टिन्यूस देख ले. जहाँ भी जो है कॉन्टिन्यूस जो है वहाँ बींग आएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी ऑलवेज. वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी. बाय बाय बाद में लिखना है. बाय, ये बाय तो आएगा सब में. सब्जेक्ट जो है यहाँ से आपने उठाना है. आपने, ये मैं कुछ भी नहीं कह रहा कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है. ये रूल्स याद रखना है. ये याद रखोगे आप इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बना लो, ठीक है. उसी तरह से ये भी है. टाइम आपका जाया ना हो इसलिए बता दूं कि ये जो नोट है ना, नोट बस सिर्फ ये नोट ही ऐड हुआ है. ये नोट कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस को. नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है क्वेश्चन, ठीक है. ये एज इट इज़ रहेगा, आपने नोट ऐड कर देना है ऊपर वाला, ठीक. अब देखें ऑब्जेक्ट जो है, अब यहाँ एक बात देखें, ये क्वेश्चन है, ठीक. पहले इज एम आर आएगा तो यहाँ भी इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय सब्जेक्ट, ठीक है. तो ये क्वेश्चन मार्क्स है. अब एग्जांपल देख ले ताकि बात समझ में आ जाए. रमेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग. रमेश यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है. ये अब देखिए इज एम आर में से कोई एक आएगा. सिंगिंग वर्ब प्लस आई एन जी, ठीक है. अ सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है. एक तरीके का ये ऑब्जेक्ट ही समझ लें, ठीक है. अब अ सॉन्ग आगे आएगा, इज बींग आता है कॉन्टिन्यूस में, संग वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सिंग की, सिंग जो होता है ना, सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या है? संग है, ठीक है. बाय रमेश, ठीक है. ये मैंने कहाँ से बना लिया? ये यहीं से बना लिया मैंने. ऑब्जेक्ट इज एम आर बींग, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट, ठीक है. ये मैंने कहाँ से बना लिया? ये इसी से बना लिया. ये आप स्क्रीनशॉट ले ले, ये जो है तीनों का स्क्रीनशॉट ले ले. ये एक दो तीन, ठीक है, हो गया होगा. अब यहाँ स्क्रीनशॉट आप ले ले एक, चले ठीक है. देखिए कृतिका इज नॉट चॉपिंग वेजिटेबल. कृतिका जो है वेजिटेबल, देखे नॉट चॉपिंग. अब देखे चॉप, चॉप जो है ना, चॉप चॉप ये होता है. उसके बाद चॉप ऐसे लिखते हैं, आई एन जी लगा दिया, ठीक है. ये बन गया कॉन्टिन्यूस नेगेटिव सेंटेंस. नॉट आया, नेगेटिव बन गया.
अब देखिए वेजिटेबल्स आर, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो प्लूरल है, या प्लूरल देखें यार लगेगा, नॉट बींग, बींग आएगा चॉप्ड थर्ड फॉर्म में बाय कृतिका, ठीक है। अब ये एक और देख लें, इज रितिका बाइंग अ टेबल, ये क्वेश्चन है, इज आया, इज रितिका बाइंग टेबल, टेबल यानी क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। इज अ टेबल बींग बॉट, BOUGHT बॉट बाय रितिका, ये जो है ना टेबल जो है, ये बॉट जो है ना बॉट, ये बाय बॉट बॉट, ठीक है, थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये तो इस पहले आया था क्योंकि ये क्वेश्चन है भाई, देखे ये एक सेंटेंस होता है ना, डू यू लाइक, देखे मैंने आपको कल भी समझाया था कि एम आई लेट ऐसा बोला जाएगा ना, एक क्वेश्चन हुआ एम आई लेट, सीधा सीधा क्या होगा आई एम लेट, एम आई लेट यानी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ये जो है इसी हिसाब से बनता है। यहाँ बींग आपने याद रखना है आपको ना, ये आता होगा ना टेंसेस, तो आप ये बना पाओगे, कॉन्टीन्यूस है बींग, एस बीन बींग रखना है, आप बींग पुट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ये आपको आ जाएगा, दो दिन प्रैक्टिस करोगे, टू डेज ओनली, ये दो दिन प्रैक्टिस करोगे आपको ये आ जाएगा। तो उसी तरह से हम एक कल एक और देखेंगे, तो यहीं लेक्चर को एंड करते थे, वीडियोस को आपने शेयर करनी है, लाइक करनी है, और दूसरे दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करनी है, और टेलीग्राम और फेसबुक का जो लिंक है ना, फेसबुक का पेज है हमारा एक, तो फेसबुक के पेज पे जाए, वहाँ से आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे, शुरू जल्द कर देंगे हम, वहाँ कुछ इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे, जैसे स्टोरी का मैंने अभी शुरू किया है, स्टोरी जैसे ये देखिए ये बुक है स्टोरी की, ठीक है, इसमें स्टोरी है सारी है ना, तो मैंने ये आज स्टोरी पढ़ाई है, ये स्टोरी जो है देख ले, ये पढ़ाई गई है पूरी, तो उसे बच्चों को दिखा दे ताकि इंग्लिश आ जाएगा, इंग्लिश समझ में आसानी से, ये एक की किताब है मेरे पास अभी। सो लेट्स द एंड ऑफ द लेक्चर टुडे, वी विल मीट सून, कीप स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।